माँ जिसके बारे में बोल रही है उसके बारे में आप लोग को बाद में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और फिलहाल जो यहाँ पर चल रही है पैकिंग, तो हमारा तो कपड़ा जी इधर पैक हो गया, एक साइड है जिया का, एक साइड है मेरा, और उसके बाद जो अब हो रहा है क्रियांश का पैक। तो क्रियांश का बकायदा एक ट्रॉली रहेगा इसका, इसमें क्रियांश का सारा सेट रहेगा। और क्रियांश यहाँ शोर मचा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है? हमारा तो नहाना हो गया जी, अब गई हुई है जिया नहाने के लिए, और बाकी सारा सामान सब भी अपना चेक कर लिया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जस्ट अभी आए हैं जी मार्केट से, और मार्केट से जो है झालमुड़ी लेकर के आए हुए हैं सभी के लिए। तो सभी लोग जो है झालमुड़ी खाएंगे। यहाँ जो झालमुड़ी है जी सभी को काफी अच्छा लगता है, और जब भी हम उस पार जाते हैं मार्केट तो मार्केट से यहाँ जो है जरूर लाते हैं। रात से मुझे फीवर है और शादी में गए वहाँ इतना हरासमेंट हो गया है, तो खाना बनाने की मेरी इच्छा नहीं थी। जिया बनाएगी तो वो पोता है, पोता को एक आदमी पकड़े तो एक आदमी खाना बनाई, मजबूरी है। बिल्कुल, हमारा पोता इतना बदमाश है, उससे बढ़िया हम खाने समझते हैं। डैडी बोले थे हमको मेथी का पराठा बनाने के लिए, तो मेथी तोड़ रहे थे, दादा मैं आपका कॉल आ गया। उसी समय विरोध किया, झालमुड़ी से पेट भर जाएगा अच्छा खासा। विरोध किए कि हम पालक को दाल देकर बना रहे हैं, तो वो पराठा में पालक का दाल खाएगा लोग। अच्छा, खाइएगा तो खाइए, ऊपर वाले जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। झालमुड़ी ले आया, इसी से सबका पेट भरेगा, गिलास दूध देंगे तो सबको बात खत्म। इतना ज्यादा झालमुड़ी है कि हमको लगता है सबका पेट भर जाएगा। आलू चौप भी सबके लिए अलग से लगता है, वो जो है ना बासुकी नाथ में जो बिकता है वो भी अच्छा रहता है। अगर सब कुशल वहाँ से भगवान तुमको वापस कर देंगे तो हम लोग तब देवघर चलेंगे। माँ जिसके बारे में बोल रही है उसके बारे में आप लोग को बाद में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। The next day. तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और इस समय जो है हमारी भैया और हमारा भतीजा जो है जा रहा है हमारे गांव की तरफ है, उन लोग को जा करके छोड़ देते हैं। और जिया भी इधर उठ गई थी कुछ देर पहले ही, लेकिन जो है ब्रश करना अभी शुरू हुआ है, और क्रियांश जो है अभी फिलहाल सोया ही हुआ है। और मौसम जो है इतना जबरदस्त ठंड है इधर, अब जो है ठंड शुरू हो रहा है। हम लोगों को जो है 2 दिन बाद जो है कहीं निकलना भी है, और निकलना है किसी खास ट्रिप पर, तो कहां जाएंगे वो आप लोगों को जो है कुछ देर बाद बताएंगे। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, भैया सबको ड्रॉप कर दो। 20 minutes later. भैया सबको तो छोड़ दिया जी, भैया लोग बैठ गए बस पर, फिर गाड़ी लेकर के आ गए यहाँ पर वॉश करवाने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा गाड़ी घूमा है और गंदा भी हो गया है, और घर में जो है साफ करने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है। तो सोचा कि चलिए बाहरी ले आते हैं, और यहाँ पर तो साफ हो रहा है, तो गाड़ी जैसे ही साफ हो जाएगा फिर एक और काम है निपटाएंगे, फिर चलेंगे घर। 1 hour later. तो अपना काम करके जो है पहुंच गए घर, और जैसे ही घर पहुंचे क्रियांश देख लिया गाड़ी आ रही है, और ये देखिए गाड़ी के अंदर लाइट भी जला के रखा है, तो इसका काम यही है, चाबी बाहर निकाला हुआ है, नहीं तो गाड़ी को भी स्टार्ट कर देता है। बमाच, ओए बमाच, आजा बाहर आजा, नहीं आएगा बाहर, आजा, ये देखिए यही खेलना है इसको, गाड़ी में ही खेलना है। तो यहाँ पर जो है क्रियांश का खाना लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं कि क्रियांश को खिलाया जाएगा, लेकिन क्रियांश जो है खाने का नाम नहीं ले रहा है। एक खाना एक्सपेरिमेंट किया गया आज, वो खाना तो क्रियांश नहीं खाया, देखते ये खाना खाता है कि नहीं। 2 hours later. तो क्रियांश का हो गया है जी नहाया हुआ, और क्रियांश को लेकर के चलते हैं छत पर, और छत पर अपना खेलेगा, और उसके बाद जो है इसको जो है लगेगा धूप, और धूप लगने के बाद जो है फिर यह जो है मजे में सोएगा। तो अभी सभी कोई रेस्ट कर रहा है, और अभी शाम के 3 बज रहे हैं, तो सभी कोई रेस्ट कर रहा है, तो हमको बनाना है बहुत सारा रील्स, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कोलैबोरेशन का, तो सबको पहन के मुझे वीडियोस बनाना है, क्योंकि कल भर हमारे पास टाइम है, क्योंकि परसों फिर हम लोग घूमने चले जाएंगे, और जहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं ना वहाँ पे गर्मी रहेगी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग साउथ में कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो साउथ में जा रहे हैं, वहाँ तो अभी विंटर कलेक्शन नहीं लेके जा सकते हैं, सिर्फ गर्मियों के कपड़े लेके जा सकते, नहीं तो फिर मैं वहां जाकर के भी वीडियोस बना सकती थी, लेकिन वहां पे ले नहीं जा सकती। यहीं पे हमें सारा कोलैबोरेशन का प्रोडक्ट सारा खत्म करना पड़ेगा, सारे वीडियोस बना करके, तो जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी कि आज और कल तक मैं निपटा दूं। और जहां तक की बात साड़ी की रही, बहुत सारा ब्लाउज स्टिच नहीं हो पाया है, वो भी मैंने दे दिया है स्टिच करने के लिए, तो वहां से आऊंगी फिर ही कर पाऊंगी। तो अभी जो मैंने ये विंटर नाइट सूट पहना है जो कि बहुत अच्छा है, और सच में एक तो पहनने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, और उसके बाद ठंड ही नहीं लग रही है। अभी यहाँ पे बहुत ठंडी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों इस बार मुझे थोड़ी सी ठंड आई है, फिर भी मुझे इस बार बहुत ठंड लग रही है। तो मैं आपको ये पूरा ड्रेस दिखाती हूँ, नाइट सूट। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा आज का पहला जिसका मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया, अब मैं जा रही हूँ उसको चेंज करने के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये हमारा विंटर नाइट ड्रेस, और दूसरा ड्रेस मैं अभी पहन के आऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। A few moments later. तो ये देख सकते हैं, ये दूसरा विंटर नाइट ड्रेस मैंने पहना है जो कि लॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसका कलर भी बहुत सुंदर है, और पहनने भी
भी बहुत कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है। आज मैं बस दो ही पहनूंगी, हो सकता है तो शाम में या रात में मैं शूट करूँ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी तीसरा नाइट सूट, क्योंकि मेरे पास 4-5 है। तो जी हम लोग जा रहे हैं एक नए ट्रिप पर, और हम लोगों का यह जो नया ट्रिप है कुछ जो है अच्छा खासा गैप हो गया था, उसके बाद हम लोगों का फिर से ट्रिप चालू है। और फिलहाल जो यहाँ पर चल रही है पैकिंग, तो जिया का जो है सामान पैक हो चुका है, क्रियांश और मेरा जो है अभी बचा हुआ है। तो जिया सबसे पहले अपना पैक कर लिए, हम लोग का रहने दी है कि इनको क्या रहता है कि क्रियांश के लिए क्यों नहीं लेके आई, मेरे लिए ये क्यों नहीं लेके आई। तो इस बार हमने क्या किया है कि अपना पैक कर लिया है सब कुछ और इन दोनों का छोड़ दिया है, ये तो जो बोलेंगे वही मैं रखूंगी। तो कोई बात नहीं जी, ज्यादा देरी नहीं करते हुए पैकिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा तो कपड़ा जी इधर पैक हो गया, एक साइड है जिया का, एक साइड है मेरा, और उसके बाद जो अब हो रहा है क्रियांश का पैक। तो क्रियांश का बकायदा एक ट्रॉली रहेगा, इसका इसमें क्रियांश का सारा सेट रहेगा। और क्रियांश यहाँ शोर मचा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है, क्या चाहिए। तो क्रियांश का कपड़ा धीरे धीरे करके रखा जा रहा है। सबसे पहले हमने इसका बैट बॉल ले लिया है और साथ में जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लिया है, ताकि क्रियांश के खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहे। क्रियांश का सिर्फ रहेगा खिलौना और से रहेगा कपड़ा। ये देखो अब आ रहा है, देख लिया जो बैट बॉल, अपना खिलौना ले जाके ले गया, अब ये निकालेगा अब ये। वाह 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 वाह, कहाँ जा रहे हो क्रियांश? अरे बाप रे कितना तेजी से भाग रहे हो, इधर इधर कहाँ भाग रहे हो? अभी जो ऊपर सामान देख रहा है ना माँ, इसीलिए वो भाग रहा है ऊपर सामान में, वो ट्रॉली में देख रहा है सामान सब पैक जो है। सारा कुछ पैकिंग हो चुका है, क्रियांश को देखिए कहाँ चल गया, क्रियांश कहाँ आ गए हो, मस्ती कर रहे हो, मस्ती 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 मस्ती, पूछी दे दो, पूछी पूछी दे दो, पूछी दे दो मामा को, क्रियांश बहुत एक्साइटेड है क्रियांश। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 4:30 और हम लोग जो है अपना उठ गए हैं और अब बारी है जी नहाने की। तो ब्रश तो कर ली अपना जी और इतनी सुबह सुबह नहाना है। बात क्या है जी, दिन भर में जो है आज हम लोग को जो है मौका मिलने वाला है नहीं नहाने का, क्योंकि जो अभी सुबह 6 बजे जो हम लोग निकलेंगे घर से और हम लोग रात के 12 बजे गोवा पहुंचेंगे, तो बीच में नहाने का कोई भी समय नहीं है। तो इससे अच्छा है कभी ही नहा लिया जाए। और क्रियांश अभी फिलहाल सोया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं हमारे निकलने से लगभग आधे घंटे पहले तक थोड़ा सोया ही रहे, ताकि जो भी हमारा पेंडिंग काम बचा हुआ है वो सारा काम जो है हम लोग का पूरा हो जाए। सिर्फ आपका बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी आप करें। कोई बात नहीं, तो चलते हैं सीधा चल करके नहा लेते हैं। हमारा तो नहाना हो गया जी, अब गई हुई है जिया नहाने के लिए और बाकी सारा सामान सब भी अपना चेक कर लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम लोग जाते हैं कहीं भी तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान लगता है कि इसको जो है साथ में ले लेना चाहिए था और वह नहीं आता है साथ में। लेकिन क्रियांश का सामान जो है सबसे पहले चेक करते हैं कि हम लोग का सामान छूट जाएगा कोई बात नहीं, क्रियांश का कोई सामान रह गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा।